आपके किचन में मौजूद दही कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होती है, लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है, और भी विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं और स्किन के लिए भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है। बस आपको इसमें अगर आप एक दो ऐसी खास चीज़ें ऐड कर देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और एक बहुत बेहतरीन मास्क बन के रेडी हो जाता है, जिससे कि आप पा सकते हैं सिल्की शाइनी लॉन्ग हेयर। तो कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, आगे वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, साथ ही बहुत सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा हेलो देखिएगा। एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल हेयर ग्रोथ रेमेडी लेकर के आई हूँ। जैसे आपके बालों की कोई भी समस्या हो, आपके लिए बहुत काम करने वाली है। मैं एक हेयर मास्क आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम चीजें इसमें ऐड करेंगे ना, वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेस्ट रहती हैं और बालों को कंडीशन करने के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। नेचुरली अगर आप अपने बालों को कंडीशन करना चाहते हो कि केमिकल प्रोडक्ट बिल्कुल भी बालों पे अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि वो बालों को इतने बुरे हाल से डैमेज कर देते हैं कि बाद में फिर बालों को रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नेचुरली आप किस तरह से कंडीशन कर सकते हैं, आप या फिर ये बोल सकते हो कि घर पे आप अपने बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले तो हमें लेना है दही। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर दही आपकी बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है और आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए इकलौता इंग्रेडिएंट भी है। तो देखिए, इसमें हम अगर आंवला पाउडर, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, मैं यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का आंवला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि विटामिन सी से भरपूर है, केमिकल फ्री है, 100% प्योर एंड नेचुरल है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। आपके बालों को नेचुरली काला करने के लिए आंवला इकलौता एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को नेचुरली काला करता है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। गुणों से भरपूर है आंवला, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आंवला में पाई जाती हैं। अगर आपको डेंड्रफ की समस्या रहती है तो उसके लिए भी आंवला बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। आसान सी भाषा में बोला जाए तो आंवला इकलौता एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी तो बनाता ही बनाता है, साथ ही अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है उसके लिए बहुत बेस्ट है, आपके बालों में डेंड्रफ की समस्या के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब ओवरऑल बालों की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए आंवला बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। मतलब कुदरत का एक वरदान है आंवला तो हमारे ये मैं लिए। इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी अगर आपने घर पे सुखा रखा है उस तरीके का आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 चम्मच आंवला पाउडर की ली है, मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने खाली 1 ही चम्मच अभी ली है। बाकी आप अपनी लेंथ, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है पैक ले सकते हैं, मतलब दही ले सकते हैं, और चीज़ों की क्वांटिटी उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं ले रही हूँ एल्प्स गुडनेस का हिविस्किस एंड मेथी पाउडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिबिस्कस और मेथी पाउडर आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है, साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अगर आप रेगुलरली मेथी अपने बालों में इस्तेमाल करते हो, जब भी मैंने बहुत तरीके आपको बता रखे हैं, एक शॉर्टकट तरीका तो ये भी बता रखा है कि बहुत कुछ अगर आपको नहीं करना है तो आप खाली शैम्पू के साथ भी इसे इस्तेमाल कीजिएगा। मतलब आपको बहुत तामझाम में पड़ने की जरूरत नहीं है, शैम्पू तो हम अपने बालों में करते ही हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा आप देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर आपकी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अगेन 1 चम्मच हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर का, 1 चम्मच हमने आंवला पाउडर का ले लिया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपके अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं तो क्वांटिटी को आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ईजिली हम इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकें और ये एक मास्क की तरह बन जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन वाटर ऐड कर रही हूँ, इससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और मास्क की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हो और उन्हें अपनी स्किन केयर, हेयर केयर के लिए बेस्ट मानते हो, तो देखिए मैं आपको बताऊं तो एल्प्स गुडनेस के जो जितने भी ये पाउडर है ना, आपने देखा ही होगा कि मैं रेमेडीज़ में यूज़ करती रहती हूँ, बहुत बार आप पूछते भी हो। तो देखिए एल्प्स गुडनेस के जो भी प्रोडक्ट हैं
वो नेचुरल हैं, 100% प्योर हैं, और प्योरिटी का आप किस तरह से मतलब टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा प्योर है। देखिए अब मेरे बात कर रहे हैं, ये आंवला पाउडर है, और आपको मैंने बहुत बार दिखाया ही है कि मैं घर पे खुद से प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करती रहती हूँ आंवला पाउडर। तो मुझे मतलब उसकी जो स्मेल है अच्छे से पता है कि किस तरह की उसकी स्मेल है। तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर ये जो पाउडर है मैं इसको स्मेल करूँ तो मुझे एग्जैक्टली वही वाला स्मेल आता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ घर पे जब खुद से भी पाउडर तैयार करती हूँ। तो जिन लोगों के पास नहीं होते हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप एल्प्स गुडनेस के ये DIY साथ ही होम मेड रेमिडीज के लिए मतलब सारी रेंज इनके पास अवेलेबल है, जो भी पाउडर आप लेना चाहते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं उनके लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन्हें इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब ये इतना पावरफुल पैक बन चुका है ना, ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और आपके बालों को सिल्की शाइनिंग कंडीशन भी करेगा। तो आपको पार्लर स्पा जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप घर पे इसे तैयार कीजिए और अपने बालों में लगाइए। चलिए अभी देखते हैं कि किस तरह तरीके से आपको इसे बालों में अप्लाई करना है। देखिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रश का, क्योंकि आंवला हमने इस्तेमाल किया है और आंवला से आपको पता ही है कि वो नेचुरली ब्लैक कलर छोड़ता है, तो आपके हाथों में स्टेन वगैरह लग सकते हैं, इसलिए बेस्ट है कि आप इसे ब्रश की हेल्प से अपने बालों में लगाइए। बस इस तरीके से बालों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फिर एक सेक्शन लेते चलिए और उस पर अप्लाई करते जाइए। आप अपने बालों की फुल लेंथ में भी इसे अप्लाई करोगे क्योंकि हमने बालों को कंडीशन करना है। अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए और बालों को फिर बंद कर लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा रेमेडी को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, साथ ही यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इसे अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा ये जब तक सूखता नहीं है तब तक आप अपने बालों में से लगा रहने दीजिए। फिर अपने बालों को आप प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, आप माइल्ड शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट इससे मिलेंगे। कर्ड जो है आपके बालों को नेचुरली कंडीशन भी करती है, साथ ही आंवला आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, और अगर आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, नेचुरली आपके बालों को कलर भी करता है। तो सबसे बेस्ट ये पैक बन के रेडी हो गया है, मतलब आपको बहुत सारा तामझाम में पड़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए, मतलब आप थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हो अपने लिए, तो बस फटाफट से कर लीजिए। और ये सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में है, तभी तो मैंने आपको बोला ना कि एक हमारी जो बिजी लाइफ हो चुकी है ना उसके लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं ये। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा से अपने बालों पे इसे मास्क को तैयार कीजिए और लगा लीजिए। जब तक आप अपना घर का कामकाज कीजिए उतनी देर में ये सूख भी जाएगा और फिर बस आपके बालों का रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेके आती रहती हूँ, मैं आपके साथ DIY होम मेड रेमेडीज ये सब चीज़ें स्किन केयर की हेयर केयर की शेयर करती रहती हूँ, साथ ही फिटनेस के लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो बस आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, थैंक यू।